हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस ये देखिए खस्ता क्रिस्पी कचौड़ियाँ, यम्मी। और इसका हमने बनाया है प्रीमिक्स, जो कि महीनों चलेगा। आपको एक बार बना के रख लीजिए, महीनों चलेगा, कोई झंझट नहीं। आपको जल्दी हो या बच्चों को जल्दी स्कूल कॉलेज कहीं भी भेजना हो, फटाफट नाश्ता बनाइए। बड़े भी देख कर हैरान हो जाएंगे कि इतनी जल्दी इतनी यम्मी कचौड़ियाँ कैसे बनी है। तो चलिए बनाना सीखते हैं अपना प्रीमिक्स और उससे कचौड़ियाँ। एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस आज हम बहुत 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 इंटरेस्टिंग रेसिपी लाए हैं, जो कि जिनके छोटे बच्चे हैं या स्कूल जाते हुए बच्चे हैं, ठीक है, और खासतौर से इस त्योहार पर इन सब के लिए ये बहुत टेस्टी रेसिपी है। ये देखिए, ये काली वाली दाल है, जो काली धुली हुई दाल होती है, ये वही है। इसके छिलके निकाल दिए, देखिए कितनी इसमें डस्ट है। तो इसको हमने साफ कर लिया है, और ये देखिए गीला किचन टॉवल ले लिया है, और इस गीले किचन टॉवल से हम इसको साफ करेंगे। देखिए आप अपनी इस दाल से हम कितनी सारी रेसिपियां बनाएंगे पूरी सीरीज। तो इस तरह से अच्छे से हम इसको साफ कर लेंगे। देखिए गाइस बहुत इंटरेस्टिंग सी है, 2 मिनट में कोई भी रेसिपी आप बच्चों के लिए या बड़ों के लिए बनाइए, बहुत अच्छे से ये बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह से पोंछ लेंगे। देखिए गाइस पोंछने से ना ये होता है कि जो केमिकल लगा होता है वो हट जाता है। देखिए साफ हो गई हमारी दाल, और ये देखिए काली वाली उड़द की दाल है। तो इससे हम कई रेसिपियां बताएंगे एक मिक्स से। तो आज हम बनाने जा रहे हैं उड़द की दाल का मिक्स, जिससे कि कई रेसिपियां आप बना सकते हैं। जो रेसिपी में आधा घंटा लगता है, ठीक है, आधा घंटा लगता है, 20 मिनट लगता है, वो रेसिपी आप 5 मिनट में बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमने पोंछ लिया है अपनी दाल, सारी में साफ हो गई है। आप देखिए गाइस इस त्योहार पर बनाए बहुत जल्दी से। और ये देखिए गाइस हमने इसको पोंछा है, तो ये नम हो गई है थोड़ी सी, ठीक है। तो इसको हमने पोंछ लिया है, तो चलिए इसको फ्राई करते हैं, हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं, जिससे कि अच्छा से पिस जाए। ये देखिए गाइस फ्लेम हमने ऑन कर ली है, और कढ़ाई में कुछ भी नहीं डाला है, देख सकते हैं। और अब इसमें हम ये डालेंगे दाल, ठीक है, और इसको ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट हमें भूनना है, ठीक है, 1 मिनट, जिससे कि हल्की सी रोस्ट हो जाएगी ना, तो ये अच्छे से आसानी से पिस जाएगी ग्राइंडर में। देखिए गाइस अब इसे हम ऐसे हिलाते हुए रोस्ट करेंगे 1 मिनट के लिए। एक बात और गाइस, देखिए इस समय पर कुछ वीडियोस हम जल्दी जल्दी नहीं ला पा रहे, बीच में गैप हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ लाइट की थोड़ी सी समस्या है, और क्योंकि पानी यहाँ बरस रहा था, इस वजह से लाइट जो है रेगुलर नहीं आ रही है, कट जा रही है, कभी आ रही है। तो जब लाइट आ जाती है तभी हम वीडियो बना लेते हैं। तो इसको हम रोस्ट कर लेते हैं अच्छे से। ये दाल हमारी 1/2 kg है, ये भी बता रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए गाइस हमारा ये भून चुका है, बहुत अच्छे से स्मेल भी आने लगी है, और उसका कलर भी चेंज हो गया, तो इसको हम अलग ट्रांसफर कर लेंगे। ये देखिए गाइस 50 ग्राम हमारी सौंफ, ठीक है, 1/2 किलो के हिसाब से 50 ग्राम सौंफ ली है, और इस सौंफ को भी हम भून लेंगे, क्योंकि इसका टेस्ट भी बहुत 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 ज्यादा अच्छा आता है, ठीक है। तो इसको भी 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे। ये देखिए गाइस हमारी ये सौंफ भून चुकी है। तो ये देखिए 2 चम्मच हमने ली है अजवाइन, ठीक है, सौंफ भून चुकी है, अब इसमें अजवाइन डाल देंगे, ठीक है, 2 चम्मच है ये 1/2 किलो के हिसाब से। तो इसको भी भूनेंगे अच्छे से। ये देखिए गाइस 4 हमने लाल मिर्च ले ली है। देखिए मिर्च आप अपने हिसाब से कर लें, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे हैं, आप लोगों को पता है सबको है। तो क्योंकि हम ये रेसिपी लंच में भी ये खाना बनाकर रखते हैं बच्चों के लिए, तो ज्यादा तीखा नहीं बनाते, इसलिए हमने 4 मिर्चें ली हैं, और ये काफी तीखी मिर्चें हैं, ठीक है। तो इसको भी फ्राई कर लेंगे साथ में। देखिए गाइस ये मसाला भी भून चुका है, तो इसको भी हम अलग डाल लेंगे, जिससे कि ठंडा हो जाए, हमें ये सारी चीजें ठंडी। ये देख सकते गाइस 4 से 5 स्पून धनिया, इसको हम इसको भी रोस्ट ही कर लेंगे, ठीक है। अब देख सकते गाइस हमारी धनिया भी रोस्ट हो चुकी है, तो फ्लेम को हम करेंगे बंद, और ये सारे मसाले एक में ही निकाल देंगे। ये देख सकते गाइस इसी थाली में ये मसाले भी निकाल देंगे, और भी अभी कुछ डालेंगे। ये देख सकते गाइस 1/2 स्पून हमने डाली है हींग, ठीक है, और ये देखिए काली मिर्ची पाउडर 1/2 स्पून, और देखिए हमने बिल्कुल भी गैस मतलब अपने फ्लेम ऑन नहीं कर रखी है, गरम में ही इसको डाल देंगे, क्योंकि ये पिसा हुआ इंग्रेडिएंट है, तो ऑटोमेटिक भुन जाएगा अच्छे से। तो चलिए देखते हैं आगे।
ये देख सकते हैं गाइस, ये सारा ठंडा हो चुका है, तो इसे हम सारा भर के भरेंगे। ये देखिए गाइस, अब ये हम जितने भुने मसाले थे ये भी ऐड करेंगे इसमें। ये देखिए गाइस, हमने रोस्ट करके रखा था हींग और काली मिर्च पाउडर। अगर आपके पास काली मिर्च पाउडर नहीं है तो आप 10 से 12 काली मिर्च ले लीजिए और पीस लीजिए, ठीक है। ये देखिए गाइस, एक स्पून हमने जीरा लिया है, ठीक है, डेढ़ स्पून, क्योंकि हमने जीरा नहीं ऐड किया है इसमें, तो ये भी हम डालेंगे। इसको भी भून के ही डालेंगे। देखिए, आप कच्चे भी डाल सकते हैं, मगर भून के डालने से जो इनका फ्लेवर है वो बहुत अच्छे से आता है, इस वजह से भून के ऐड करते हैं। ये देख सकते हैं गाइस, एक तेज पत्ता वो भी हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। ये देखिए गाइस, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डालेंगे इसमें, इसी में मसाले में, इसे भी फ्लेवर अच्छा आएगा। ये देखिए गाइस, ये भी रोस्ट हो चुका है, तो ये भी उसी में हम डाल लेंगे। अब ये देखिए गाइस, सारा कुछ तेज पत्ता कस्तूरी मेथी ऐसे ही डाल दिए। ये देखिए गाइस, बिल्कुल पिस चुका है, ठीक है, हल्का सा दरदरा है, बट ये बहुत अच्छा क्रंची लगेगा। इसमें एक चीज और हम डालना आपको बता रहे हैं, ये है थोड़ा सा एक स्पून के करीब नमक। क्यों? क्योंकि नमक से हमारी ये जो दाल है, जो मिक्स है, बिल्कुल खराब नहीं होगा, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। बस थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, तो आपको हम बताएंगे लास्ट में कि क्या सावधानी रखनी है। ये देख सकते हैं गाइस, बिल्कुल पिसकर रेडी है। तो चलिए, इसे एक हम रेसिपी भी बनाना आपको बताएंगे, बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी। और इसको अब जार से हम लेते हैं निकाल के अपना। देखिए गाइस, ये इसलिए हमने निकाल कर रखा, वरना चाहते डायरेक्ट भर लेते। देखिए, अभी हमने पीसा हुआ है तो ये गर्म है, तो इसको ठंडा करके भरना है, ठीक है, क्योंकि नमक है इसमें, हमने नमक थोड़ा सा ऐड किया है। इसको ठंडा कर भरें, और गीली चम्मच या गीला कुछ भी मत यूज करें। तो देखिए क्या कितनी अच्छी सी रेसिपी, और इससे हम कई सारी रेसिपियां भी बताना बताएंगे आपको। गाइस, हमारा मिक्स ठंडा हो चुका है, तो इसको हम इस तरह से प्लास्टिक के कंटेनर में या कांच के कंटेनर में भरेंगे, लोहे के या स्टील के बर्तन में नहीं भरेंगे, क्योंकि इसमें नमक मिलाया हुआ है इस वजह से। ये देख सकते गाइस, इस तरह से कंटेनर में भर के रख लेंगे, तो ये आप एक महीने तक यूज कर सकते हैं। तो चलिए, इसी से बना के दिखाते हैं हम आपको कचौड़ियां। ये देखिए गाइस, एक कटोरी मैदा हमने ले लिया है, आज हम मैदे से बना रहे हैं। आप इसको आटे से भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है, ठीक है। ये देखिए, हाफ कटोरी से ज्यादा है थोड़ा सा, ये ले लिया। स्पून से हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए स्पून के हिसाब से 4 से 5 स्पून है। ये देखिए तीनों भाई, ये देखिए 4 स्पून, ये पूरी 4 स्पून है हमारा दाल, ठीक है। इसको मिक्स कर लिया। अब नमक देखिए, हमने दाल के अकॉर्डिंग डाला था, अब इसमें हमें मैदे में थोड़ा सा नमक और ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए, मैदे में नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, डाल लीजिए। और गाइस, एक बात और, अगर स्टेप पराठा बनाना है, मतलब स्टेप बनाना है, तो आप दाल में थोड़ा सा पानी मिलाइए, और इसको दाल जैसे हम बनाते हैं पेस्ट, उस तरह से बना के रख लीजिए। उस तरह से भी बताएंगे, मगर ये हम जनरल ऐसे बता रहे हैं कि सुबह नाश्ते में भी आप बना के फटाफट बच्चों को दे सकते हैं, ठीक है, न भरने का झंझट। क्योंकि अगर दाल भरकर दीजिए बच्चों को, तो बच्चे बिल्कुल नहीं खाते, बिल्कुल टच नहीं करते हैं। तो चलिए, इसमें और इंग्रेडिएंट डाल लेते हैं। ये देखिए गाइस, कुछ कस्तूरी मेथी, तो उसको हम ऐसे कस करके डाल देंगे, ठीक है। ये अपना हरा धनिया, वो भी डाल देंगे इसमें, ठीक है। ये देखिए गाइस, 2 स्पून हम सूजी ऐड करेंगे इसमें, ताकि क्रंचपन बहुत अच्छे से आ जाए। तो 2 स्पून महीन बारीक वाली सूजी है हमारी, ये देख सकते हैं। अब हम 2 से 3 स्पून हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे, जिससे कि ये अच्छे से खस्ता बने, ठीक है। ये देखिए 3 स्पून हमने डाल दिया है। अब ये देखिए, सारा हम मिला लेंगे। देखिए, आप अजवाइन अगर ज्यादा आपको पसंद हो तो ऊपर से भी आप डाल सकते हैं, हमने दाल में तो वैसे सारे मसाले ऐड किए हुए हैं, ठीक है। अब इसको हम अच्छे से रिफाइंड या घी, जिसका मोयन लगाए आप, उसको अच्छे से मिला लेंगे, और ये बहुत टेस्टी बनकर आएंगी, और ऐसे बच्चे भी खाएंगे, क्योंकि वैसे बच्चे दाल नहीं खाते हैं। आप हरा मिर्चा भी डालना चाहें ऊपर से, आराम से डाल सकते हैं। चलिए, अब इसका हम डो लगाते हैं। ये देखिए गाइस, ये हमने पानी ले रखा है ये मिक्सी के जार में, क्योंकि इसमें हमने दाल पीसी थी, काफी इसमें दाल थी, ठीक है, पाउडर बनकर रह जाती है। तो ये हम थोड़ा थोड़ा करके डो लगाएंगे, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं, तो मीडियम साइज का हम डो लगा लेंगे, ठीक है, इस तरह से। आप चाहें हल्का सा गुनगुना पानी ले लें, ये हल्का सा गुनगुना पानी है, ठीक है, क्योंकि सूजी पर ही है, गुनगुने पानी से गूंथने से
तो सूजी थोड़ा सा फूल जाएगी, ठीक है, इस वजह से। तो इस तरह से हम लगा लेंगे। और गाइस ये देखिएगा, आज तो हम ये कचौड़ी की रेसिपी बता रहे हैं और इसी मसाले से हम कई सारी रेसिपी बताएंगे जो कि विगनर के लिए भी बहुत अच्छी होंगी। एकदम फटाफट एक बार मिक्स, एक मिक्स बना लीजिए फटाफट, जैसे कि दही बड़े, और इससे इंटरेस्टिंग भी रेसिपीज बनाएंगे जो कि हमारी बनाई हुई होंगी। तो देखते रहिएगा आप लोग। तो इसको हम गूंथते हैं, फिर मिलते हैं। देखिए गाइस, अगर आप गेहूं के आटे से बनाते हैं तो वो भी आराम से बना सकते हैं इसी तरह से, जिस तरह से हमने इसकी बनाई है। और देखिए बहुत ज्यादा हार्ड नहीं लगाना है क्योंकि इसमें सूजी हमने ऐड करी है, तो सूजी की वजह से ये हमारा अभी फूलेगा ना डो, तो पानी सोखेगा इस वजह से, ठीक है, नरम ही। और इसको अच्छे से गूंथ लेंगे। एक बात और गाइस, इस मिक्स में हमने ये उड़द की दाल से मिक्स बनाया है, आप चाहें तो मूंग की दाल, चने की दाल, इनसे भी आप बना सकते हैं। और भी दालें होती हैं, कई दालें एक में मिलाकर बना सकते हैं, जो कि हम आपको बताएंगे आगे चलकर, ठीक है। तो ये मिक्स हम इसको हम अच्छे से गूंथ के इसको रख देते हैं। ये देखिए हमारा अच्छे से गूंथ गया है। देखिए लगभग लगभग हमारी आधी कटोरी पानी लगा हुआ है, आधा बच गया है, एक कटोरी पानी हमने ऐड किया था। तो अब थोड़ा सा हम लेंगे, ये देखिएगा, ये लिया हमने एक स्पून ऑयल, जो कि इस पर हम ऐड करेंगे और इस पर अच्छे से सब तरफ लगा के इसको और 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे, जिससे कि जो इसके अंदर जो सूजी हमने डाली है और दाल है वो सारी अच्छे से फूल जाए। इसीलिए हमने कहा था क्या गुनगुना पानी लीजिएगा, इसी वजह से हमने कहा था, ठीक है। तो इसको हम अब रखते हैं और 10 मिनट बाद देते हैं आके, ठीक है। देखिए गाइस, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए उसकी स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि जो भी आप स्किप कर जाएंगे ना थोड़ा सा भी, तो आपका वही चीज छूट जाएगी और आपकी कचौड़ियां अच्छी नहीं बनेंगी। तो चलिए इसको 10 मिनट बाद मिलते हैं। ये देखिए गाइस, 10 मिनट हो चुके हैं इसको ढके हुए, ठीक है। तो इसको एक बार लेंगे, एक बार और मसल लेंगे। देखिए एकदम परफेक्ट हो गया है, सख्त हो गया बिल्कुल जैसा हमें चाहिए, ठीक है। तो इसको नरम ही बेलें, तो उसको एक बार मसल लिया है और आप चलिए इसकी हम बेलते हैं कचौड़ियां। और देखिए इसमें कोई झंझट नहीं है, ना भरने का झंझट, और 5 मिनट में रेडी हो जाती हैं। ये देखिए गाइस, कुछ नहीं करना है, ये देखिए थोड़ा सा अपना ऑयल ले लेना है, ठीक है। और इसको हम इस पे लगाएंगे चकले पर और अच्छे से बना लेंगे लोइयां। देखिए गाइस, सबसे ज्यादा भरना और भरने के बाद उसको सेकना दिक्कत करता है, क्योंकि कहीं हमारी फट रही हैं पूड़ियां, कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरह से हम हल्का सा गोल करेंगे। ये देखिए गाइस, अब जिस साइज की, बहुत मोटी नहीं बहुत पतली नहीं बनानी है, तो ये देखिए छोटे से नींबू की, बहुत छोटा नहीं, जो छोटा वाला बड़ा वाला नींबू होता है, छोटे से बड़ा होता है, उस साइज की हमने लोइयां ऐसे तोड़ लेनी है। ये देखिए सारी तोड़ते हैं, ये देख सकते हैं गाइस, हमने सारी अपनी लोइयां बना ली है। तो इनको हम गोल कर लेंगे अच्छे से, बिल्कुल इस तरह से करके, ये देखिए इस तरह से गोल करेंगे और रिफाइंड ऑयल लगाकर हल्के हाथों से बेल लेंगे। ये देखिए गाइस, सारी की सारी बना ली है, तो इसमें से एक लोई लेंगे और वो बाद बाकी ढककर रख देंगे हम उसी तरह से, जिससे कि ये सूखे नहीं हमारी। और ये देखिए इसी में से थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे और अपनी कचौड़ी पे लगाएंगे, और बेलन पे लगाने की जरूरत नहीं, खुद ही लग जाएगा, और हल्के हाथों से इस तरह से बेल लेंगे, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए गाइस, देखिए ना ज्यादा मोटी है ना ज्यादा पतली है, आप इसकी वो देख लीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से सारी बेलेंगे, ये देख सकते हैं गाइस, सारी बेल ली है, और एक ही बार ऑयल लगाना हमें पड़ा, ज्यादा नहीं हमें पड़ा है ऑयल लगाना, ठीक है। तो इनको भी हम ढक कर रख लेंगे और जितनी सेकते जाएंगे बस उतनी ही निकालते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, हमने ऑयल रख लिया है अपना गर्म होने फ्लेम पर, तो देख लेते हैं। ये देख सकते हैं गाइस, हमने ऑयल डाल लिया था, तो ये देखिए एक डो का थोड़ा सा टुकड़ा डाल के देखेंगे। ये देखिए हमारा होने लगा, एकदम से ऊपर नहीं आया है, अच्छे से हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे अपनी कचौड़ियां, ठीक है, एक एक करके डालेंगे, जितनी आ जाए उतना ही डालना है, ज्यादा नहीं ऐड करना है इसमें। और एक बात गाइस, डालते ही ऊपर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि डालते ही ऊपर आ जाएंगी तो वो कचौड़ियां कच्ची रह जाएंगी। तो इस वजह से हमको फ्लेम बहुत तेज नहीं, बहुत धीमी नहीं, अब जैसे इस टाइम तेज है, अब इसको हम नॉर्मल कर लेंगे, एकदम धीमी कर लेंगे ये गाइस, क्योंकि डालते समय एकदम से अगर तेज होगी तो हमारी ऊपर की जल जाएंगी और नीचे की कच्ची रह जाएंगी। इस वजह से देखिए ये हमारी पकने लगी है, अब इनको हम छोड़ देंगे इसी तरह से और फ्लेम को स्लो कर देंगे।
बिल्कुल स्लो नहीं, मगर हाई से थोड़ा सा मीडियम। देखिए हमारी कचौड़ी अच्छे से ये फूल करा रही है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसी तरह से हमको फूली फूली कचौड़ियां बनानी है, ठीक है। देखिएगा इसलिए देखिए पहले शुरू में फ्लेम इसलिए तेज करनी चाहिए क्योंकि हम तुरंत ऑयल डालते हैं, ठीक है। तो ऑयल गर्म नहीं होता है तो उसको गर्म होने में टाइम लगता है। तो आप जैसे ही गर्म हो जाए ऑयल, आप कचौड़ियां उसमें डाल दें, उसके बाद में फिर फ्लेम को धीमा कर दें, मगर इतना भी तेज गर्म ना हो जाए। जैसे कि हमने डो डाला था, तुरंत हमारा ऊपर नहीं आया था, उसी तरह से हमको ऑयल का डो करना है। ये देख सकते हैं गाइस कि हमारी कचौड़ी फूल कर आ रही है, ये देखिए, और क्रिस्पी भी बनेगी। ये देखिए ये बीच में चिटक रही है, तो इसका यही इंडिकेशन है कि हमारी कचौड़ियां बहुत अच्छी बहुत क्रिस्पी बनने वाली है। अब ये देख सकते हैं गाइस, इनका कलर आप देख सकते हैं ब्राउन हो गया, तो हमको इतना ही क्रिस्पी करना है, इतना ही सेकना है धीमी फ्लेम पर। और अब इन कचौड़ियों को हम निकाल कर रख लेंगे। और देखिए गाइस एक पहचान और है कि डालते समय जितना वजन हमारी कचौड़ियों का होगा, निकालते समय उनका उतना ही वजन बहुत कम हो जाता है, हल्का हो जाता है, क्योंकि वो सिक जाती हैं। तो ये देख सकते हैं कितना क्रिस्पी है। तो चलिए इसी तरह से सारा सेकते हैं। और गाइस एक बात और आपको बता दें, लगभग एक बैच सिकने में 5 से 10 मिनट लगता है, क्योंकि हमें क्रिस्पी बनाना होता है इस वजह से, ठीक है। और फ्लेम देखो हमारी वही है, दूसरा बैच भी हम सेक लेंगे ऐसे ही डाल करके, ठीक है। तो लगभग लगभग एक बैच सिकने में 10 मिनट हमारा लगा हुआ है, तब क्रिस्पी ज्यादा अच्छे से बनकर आएंगी। तो हम सारी सेकते फिर मिलते हैं। ये देखिए गाइस इस बैच की भी कचौड़ी देखिए ये कितनी फूल कर आई है अच्छे से, ठीक है, अपने आप ही फूल कर ऊपर आ गई है। तो देखिए ये फूल भी जाती है, ये देखिए थोड़ा सा ऐसे ऐसे ऑयल डालते रहिए ऊपर, तो ये देखिए ये सारी फूल के आ रही है ऊपर। और गाइस वो भर कर बनाओ तो उसमें थोड़ा सा टेंशन होता है, और बिगनर्स जो होते हैं वो बना भी नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी फटने लगती है। तो ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से फूटी हुई है। तो इसको ऐसे ही टर्न करते हुए इस बैच को भी हम सेक लेंगे, ठीक है। हमारी बनकर रेडी है, तो इसको आप किसी के साथ सर्व करिए। चलिए हम सर्व करते हैं। ये देख सकते हैं एकदम सूखी और एकदम ड्राई कचौड़ियां हैं, ये देख सकते हैं। तो इसको हम सर्व कर देते हैं इस तरह से, ये देखिए ये इस तरह से हमने सर्व करी हैं। और एक चीज और हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए इसी प्लेट में हमने निकाली थी, आप पीछे जाकर देख सकते हैं वीडियो को। तो ये देखिए हम सारी हटा रहे हैं, यहां पर रख रहे हैं, सॉरी। ये देखिए आप देख सकते हैं कि हमारी प्लेट में बिल्कुल, ये देखिए एक भी बूंद ऑयल नहीं है, एकदम ड्राई कचौड़ियां निकल कर आई हैं, देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं है ऑयल, देख सकते हैं। और कोई हमने टिश्यू पेपर या कोई भी चीज यूज नहीं करी है। तो जिस तरह से हमने बताया है आप उस तरह से अगर बनाएंगे तो बहुत टेस्टी और बहुत क्रिस्पी कचौड़ियां बन कर आएंगी। और ये देखिए लंबे समय से बनाई है लेकिन फिर भी ये अभी की अभी पूरी की पूरी फूली फूली है, ठीक है। तो ये हमने सर्व किया है। अब एक हम आपको क्रिस्प सुनाते हैं इसका, देख सकते हैं ये देखिए। और देखिएगा आप ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, आप देख सकते हैं। तो आज की हमारी ये रेसिपी, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। देखिए हमने दही के साथ और छोले की सब्जी के साथ सर्व किया हुआ है, साथ में हरा मिर्च, तो हमारे घर में ऐसी खाई जाती है। तो आप लोगों को बताइएगा अगर पसंद आए हमारा ये प्रीमिक्स और ये कचौड़ी बनाने का तरीका, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और प्लीज आप लोग हमारी वीडियो पूरा देखा करिए, हमें अब अगर आप लाइक करते हैं तो हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है और हमें भी लगता है कि हाँ हमने जो रेसिपी बनाई है वो अच्छी लगी आप लोगों को। तो उसी तरह से नई नई रेसिपियां लाते रहेंगे। और गाइस ये देखते रहिएगा, ये जो रेसिपी हम लाए हैं इसी प्रीमिक्स से हम कई रेसिपियां आगे लाएंगे, तो आप ये देखना ना भूलें हमारे चैनल पर। तो प्लीज